नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम कार्बोनिकम के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निर्बाध रूप से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम कार्बोनिकम कार्बोनेट ऑफ सोडियम के सिम्टम। जिन लोगों को काफ़ी समय से बदहजमी का रोग होता है, वह कुछ भी खाते हैं उनको हजम नहीं होता, ऐसे लोगों को भोजन को पचाने के लिए सोडे आदि का सेवन करना पड़ता है। इन रोगियों को हर समय खट्टी डकारे आती रहती हैं। ऐसे रोगियों को अगर नेट्रम कार्बोनिकम औषधि दी जाए तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर नेट्रम कार्बोनिकम औषधि का उपयोग, जैसे सिर से संबंधित लक्षण, रोगी को जरा सा भी दिमाग वाला काम कराने से उसके सिर में दर्द होने लगता है, धूप में जाते ही रोगी के सिर में दर्द चालू हो जाना और चक्कर आना, सिर का बहुत बड़ा सा लगना, कानों के सुनने की नाड़ियों का बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता, गर्मी का मौसम आते ही सिर में दर्द चालू हो जाना आदि ऐसे लक्षणों के आधार पर रोगी को नेट्रम कार्बोनिकम औषधि दी जाए तो काफ़ी लाभदायक होता है। मन से संबंधित लक्षण, रोगी को जरा सा भी शोरगुल होते ही गुस्सा आने लगता है, रोगी हर समय किसी गहरी चिंता में डूबा रहता है, दिमाग का कमजोर होना, किसी भी बात को सही तरह से समझ ना पाना, संगीत सुनते ही दिमाग में तनाव बढ़ जाना, किसी भी काम को करने से अपने आप कमजोर पाना, किसी भी काम को करने में अपने आप को कमजोर पाना आदि मानसिक रोगों के लक्षणों के आधार पर नेट्रम कार्बोनिकम औषधि का सेवन कराना अच्छा माना गया है। अमाशय संबंधित लक्षण, अमाशय में सूजन आने के साथ बहुत ही नाजुक हो जाना, अमाशय का बहुत ही नाजुक हो जाना, मुंह में बहुत ज़्यादा पानी भरना, सुबह के 5 बजे बहुत तेज भूख का लगना, सुबह के 5 बजे तेज भूख का लगना, भोजन में थोड़ी सी लापरवाही करने के कारण पाचन क्रिया का कमजोर हो जाना, दूध को देखते ही जी का खराब हो जाना, भोजन करने के बाद तबीयत खराब हो जाना, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना, पाचन शक्ति की खराबी के पुराने रोगी जिन्हें हर समय डकारें आती रहती है, पेट का खट्टा हो जाना तथा गठिया का रोग होना, इस तरह के लक्षणों में यदि नेट्रम कार्बोनिकम औषधि दी जाए तो काफ़ी लाभ करता है। आंतों से संबंधित लक्षण, रोगी को मलत्याग की आकस्मिक इच्छा होना, मल का बड़ी तेजी से और आवाज के साथ आना, मल के साथ मवाद का भी आना, दूध को पीते ही दस्त लग जाना, दूध पीते ही दस्त लगना आदि लक्षणों में रोगी को नेट्रम कार्बोनिकम औषधि का प्रयोग कराना काफ़ी लाभदायक माना गया है। स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, गर्भाशय की झिल्ली का आगे का भाग सख्त हो जाना, बच्चे को जन्म देने जैसा दर्द सा महसूस होना, मासिक स्राव का समय के बाद और कम मात्रा में आना, प्रदोह का बदबू के साथ उत्तेजना बढ़ाने वाला होना, मासिक स्राव शुरू होने से पहले पेट में दर्द का होना, इस तरह के लक्षणों में अगर रोगी को नेट्रम कार्बोनिकम औषधि दी जाए तो काफ़ी लाभ मिलता है। सांस से संबंधित लक्षण, रोगी जब खुली हवा से अचानक गर्म कमरे की तरफ जाता है तो उसे सूखी खांसी होती है। स्त्री के स्तन के बाईं ओर ठंडक से महसूस होना, इन लक्षणों में अगर रोगी को नेट्रम कार्बोनिकम औषधि दी जाए तो उसके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। नाक से संबंधित लक्षण, नाक के सारी बाहरी रोग जो कुछ समय के बाद खतरनाक रोग बदल जाते हैं, नाक में फुंसियाँ का हो जाना और नाक का फूलना, नाक से बदबूदार स्राव का आना, नाक के पीछे के छेदों में होने वाला नजला, रोगी को खखाड़ने पर गले से बहुत सारे बलगम का निकलना, अगर रोगी को जरा सी हवा भी छू लेती है तो परेशानी होने लगता है, ऐसे लक्षणों में अगर रोगी को नियमित रूप से नेट्रम कार्बोनिकम औषधि दी जाए तो कुछ ही दिनों में रोग ठीक हो जाता है। चर्म रोग, त्वचा रोग, त्वचा का सूखना, फटना या खुरदुरा होना,
हाथों की उंगलियों की नोक को जोड़ तो था, पैरों की उंगलियों के ऊपर फुंसियाँ होना, पैरों की उंगलियों पर फुंसियाँ होना, त्वचा पर निशानी के रूप में, निशानों के रूप में होने वाले छालेदार उद्भेद, नसों का पूरी तरह भरना, जैसे सब लोगों के लक्षणों में रोगी को नेट्रम कार्बोनिका मौजी का सेवन कराने से काफ़ी लाभ मिलता है। चेहरे से संबंधित लक्षण, रोगी के चेहरे पर पीले रंग की फुंसियाँ से निकलना, चेहरे पर पीले रंग की फुंसी निकलना, रोगी के ऊपर वाला होठ सूज जाना, ऊपर का होठ सूजना, आँखों के चारों ओर और नीले से छल्ले का पड़ना, पलकों का सूज जाना, इस तरह के लक्षणों में रोगी को नेट्रम कार्बोनिका मौजी बहुत लाभ देता है। नींद से संबंधित लक्षण, रोगी को सुबह के समय अपने आप ही बहुत जल्दी नींद खुल जाती है, रोगी को संभोग क्रिया में सपने ज़्यादा आते हैं, दिन के समय में रोगी को नींद सी आती रहती है। इन सारे लक्षणों में अगर रोगी को नेट्रम कार्बोनिका मौजी दी जाए उसके लिए काफ़ी लाभ होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, सुबह के समय शरीर के अंगों में बहुत ज़्यादा कमजोरी का आना, पुरानी मोच, टखनों में अपने आप ही मोच आ जाती है, पैर में खुद ही नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, पैर खुद ही नीचे की ओर मुड़ता है, हाथ पैरों की उंगलियों के बीच में तेज दर्द, एड़ियों और कंडरा पेशियों में किसी तरह का रोग होना, चलते फिरते समय घुटने का खोखला वाले भाग में दर्द होना, घुटने तक बर्फ जैसी ठंडक लगना, इस तरह के लक्षणों में यदि नेट्रम कार्बोनिका मौजी दी जाए तो काफ़ी लाभ होता है। वृद्धि, एक ही स्थान पर बैठे रहने से, संगीत सुनने से रोग बढ़ता है, गर्मी के मौसम में दिमागी मेहनत करने से, तूफानी मौसम में जरा सी भी हवा लगने से, मौसम के बदलने से, धूप के जाने से रोग बढ़ जाता है। समय, हिलने डुलने से, नाक और कान के अंदर उंगली डालने से रोग कम हो जाता है। प्रतिविष, आर्सेनिक, कैम्फर औषधियों का उपयोग नेट्रम कार्बोनिका मौजी का हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका पूरक औषधि है कल्केरिया कार्ब, नेक्स्टमोमिका, पल्सेटिका, सीपी और सल्फ। तुलना, नेट्रम कार्बोनिका मौजी की तुलना आप कल्केरिया, सीपीआर और नेट्रम सल्फ से कर सकते हैं। मात्रा, रोगी को नेट्रम कार्बोनिका मौजी की 6x शक्ति देना काफ़ी लाभकारी माना गया है। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।